वेलकम बैक लवलीज़, एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि क्यों कहता है, अगर मैं तुम्हें हायर करूं मेरे डैड से मेरी फ्रॉथी मांगने को, क्या तुम करोगे? सारे पैसे तुम रख लेना, तुमने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारा फेस देख लिया, तुम्हारा घर भी, अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया तुम भाग नहीं पाओगे। सोचना इस बारे में क्यों घर में जाता है। सुबह मिन उठकर देखता है कि उसका हाथ डॉल के साथ बंधा होता है। वहीं मैन क्यों को कहता है कि मैंने कब से पिज़्ज़ा नहीं खाया, डॉक्टर ने मना किया था। क्यों कहता है तो जितना चाहे खाओ। तभी मिन सीढ़ियों पर आता है। मैन कहता है कि मिन पिज़्ज़ा खा लो। मिन कहता है कौन लेकर आया। तभी जेम्स आता है। मैन कहता है कि जेम्स लेकर आया। मिन शॉक हो जाता है जेम्स पास। जेम्स कहता है ठीक है, ऐसे ही करते हैं, मेरी गलती है तुम्हें इन सब में डालने की, तुमने पैसे तो यूज़ नहीं किए। मिन कहता है थोड़े किए हैं। जेम्स कहता है तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो। मिन कहता है मैं पैसे फाइंड करता हूँ उन्हें देने के लिए, क्या तुम उनसे बात करोगे? जेम्स कहता है हाँ। जेम्स जाने लगता है। मिन उसे कार की चाबी देता है। जेम्स कहता है कल रात मैंने तुम्हारी बात सुनी थी फिरौती के बारे में, तुम करते क्यों नहीं हो? वो उसने कहा कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो पैसे तुम रख लेना, उनको दे देना, सब खत्म हो जाएगा। मिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ये क्यों करना चाहता है। जेम्स कहता है तुम्हें उसे समझना क्यों है, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम जिंदा रहो। मिन कहता है मुझे नहीं पता ना या हाँ, मैं इसे क्या कहने से मेरी लाइफ इजी होगी। जेम्स चाहता है क्यों कहता है कि ये वही है जिसने मुझे तुम्हारे साथ मिलकर किडनैप किया, मुझे आवाज़ याद है। मिन क्यों को घर लाकर कहता है कि तुम ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं आ। कहता है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुझ पर भी नहीं। मत भूलो कि कोई तुम्हें मारना चाहता है। क्यों कहता है तो मुझे मार डालो, मैं अक गया हूँ इससे। मिन क्यों को छोड़कर कहता है कि अंदर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों जाता है, रात को क्यों सोता है। मिन नहाकर आता है। क्यों को डरावना सपना आता है, वो कहता है कि कोई मेरी हेल्प करो। मिन कहता है कि सब ठीक है। क्यों कहता है कि डैड मेरी हेल्प करो। मिन उसे शांत करवाता है। मिन जाने लगता है पर क्यों उसका हाथ नहीं छोड़ता। मिन कहता है कि तुमने क्या क्या सहा है। सुबह क्यों डॉल को गले लगाकर सोया होता है और उठकर बाथरूम में जाता है। वहाँ मिन मुंह में ब्रश डालकर सो रहा होता है। क्यों उसे बुलाता है और कहता है कि यहाँ क्यों सो रहे हो। मिन कहता है कि सारी रात तुम नींद में बोलते रहे, मैं सो नहीं पाया। क्यों कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने नींद में कुछ बोला, पर मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी चीज़ को गले लगाया कर रहा था। मिन कहता है क्या तुमने कुछ नहीं लगाया। क्यों कहता है कि मैंने बहुत ज़ोर से गले लगाया था, मैंने तुम्हारी डॉल को गले लगाया था जब मैं जागा तब भी, तो शायद डॉल की वजह से मुझे अच्छे से नींद आई। क्यों बाथरूम करता है। मिन दूसरे बार फेस करके बाहर जाता है। क्यों कहता है क्या हुआ, तुमने अभी ब्रश भी नहीं किया। उसके बाद जेम्स कहता है मैंने उनसे बात कर ली, हम मिलकर उनसे बात करेंगे, मुझे बता देना जब पैसे पूरे हो जाएँ। मिन कहता है ठीक है। मिन और जेम्स एक्शन सीन के लिए स्टंट करते हैं पर मिन सीढ़ियों से जाकर टकराता है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और एक्शन करते हुए मिन का सिर टेबल से टकराता है और एक्टर की लात पर चोट लगती है। और वो एक्टर मिन को कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मिन सॉरी कहता है। जेम्स कहता है तुम ऐसे तो नहीं करते थे पहले। मिन कहता है शायद कम सोने से हुआ है। मिन सबसे माफ़ी मांगता है। मिन बाहर बैठा होता है। जेम्स कहता है तुम ठीक हो। मिन कहता है क्या एक्टर ठीक है, मैंने कोई मुसीबत तो नहीं बढ़ा दी आपकी। जेम्स कहता है सब ठीक है, पर वो चाहते हैं कि तुम काम पर ना आओ थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा सोचो मत, जब वो दोबारा कहेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा ये पैसे काम के। जेम्स के जाने के बाद मिन पैसे देकर कहता है कि मैं बाकी कहाँ से लेकर आऊँगा। घर में मिन खाना बनाता है। मैन और क्यों आते हैं। मैन कहता है तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी। मिन कहता है मैं गिर गया था, मैं ठीक हूँ, इस पर ब्लो करो। मैन कहता है बात मत बदलो, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। मिन कहता है शायद नींद पूरी ना होने से, सोने से मैं ठीक हो जाऊंगा। क्यों ये सब कुछ सुनता और मिन की ओर देखता है। उसके बाद मिन अपने अकाउंट की सेविंग्स देखता है। क्यों कहता है कि इधर आओ। मिन आता है। क्यों कहता है थोड़ा और पास आओ। मिन आता है। क्यों मिन की चोट पर लगा बैंडेज उतारते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अच्छे हो, तो तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। मिन कहता है मैं स्टंटमैन हूँ तो ये नॉर्मल है कभी कभी चोट लगना। क्यों कहता है ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नींद में बो रहा था, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई और तुम्हें सेट पर चोट लग गई। मिन कहता है नहीं, मुझे पढ़ना होता, लाइन्स याद करनी होती है। क्यों कहता है तुम स्टंटमैन हो तो तुम्हारी तो इतनी लाइन्स नहीं होती, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी होती। मिन कहता है ठीक है, ये तुम्हारी वजह से हुआ, मैं कम सोया, तुम सारी रात बोलते रहे नींद में, तो अब क्या तुम कैसे भरपाई करोगे इसकी। क्यों बैंडेज लगाकर उस पर ब्लो करता है और कहता है कि तुमने मैन को कहा था कि तुम्हारी चोट को ब्लो की जरूरत है, तो ये रहा। मिन बॉक्स रखता है और काउंट बुक की ओर देखता है। मिन अपना हाथ क्यों के हाथ से बांधता है। क्यों कहता है मैंने जो काम कहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है, जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मैं अपने डैड से बात करूंगा तुम्हारे लिए, उन्हें बताऊंगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया पर मुझे बचाया है। मिन कहता है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर मुझे रीज़न का पता नहीं है। क्यों कहता है अगर तुम्हें पता चल गया तो फिर तुम ये करोगे, है ना? मैं अपने डैड से बदला लेना चाहता हूँ। मिन कहता है क्या। क्यों कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया है अब करोगे, पर अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है पैसे कमाने का तो वो करो।
उसके बाद मिन उनसे पैसे लेने जाता है जिनसे उसने पहले लिए थे। वो आदमी कहता है थोड़े दिन पहले तुमने पैसे वापस दिए, अब लोन मांग रहे हो। मिन कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो आदमी एक कार्ड देकर कहता है कि वहाँ जाओ। मिन कार्ड देकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है कि मुझे मिस्टर मू ने भेजा है। दो आदमी मिन को पकड़कर बाहर फेंकते हैं। मिन कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, पर वो रोकते हैं। मिन उन्हें ज़रा सा पीटता है। तभी सुआ आकर मिन को पकड़ लेता है। मिन कहता है मैं जेम्स के साथ आया था, आपको याद है। सुआ उसे नीचे गिराता है। तभी यादा वहाँ आती है और मिन के फेस को पकड़ती है। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मिन कहता है 3 लाख। सुआ बैग खोलता है, यादा पैसे रखकर कहती है कि मैं बिना ब्याज तुम्हें पैसे देती हूँ। तभी दो आदमी एक आदमी को पीट कर लाते हैं। यादा कहती है क्या तुम उस गार्ड को पीटने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हें एक पंच के 50,000 दूंगी। तभी एक आदमी आकर मिन को पंच मारता है। मिन कहता है रुको, मैंने अभी फाइट के लिए हाँ नहीं कहा है। यादा कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं उसे भी एक पंच के 50,000 दे रही हूँ। मिन उस गार्ड को पंच मारता है। मिन उसे 6 पंच मारता है। यादा कहती है 3 लाख हो गई, तुम मुझे पसंद आए क्या, मेरे साथ काम करना चाहते हो, ये पैसे ले लो, तुम्हें वापस देने की ज़रूरत नहीं है। और वो रुमाल देकर कहती है उन लोगों को बदलो मेरे बॉडीगार्ड बनकर। मिन अपना चेहरा साफ करता है। यादा कहती है जब तुम रेडी हो जाओ काम करना शुरू कर देना। मिन यादा से हाथ मिलाता है और बाहर आकर जेम्स को मैसेज करता है कि पैसे रेडी हैं, क्लाइंट से मिलने का टाइम सेट कर लो। घर आकर मिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। जेम्स उसे कॉल करके कहता है कि उन्होंने कल मिलने को कहा है, पर उन्होंने कहा है कि क्यू को साथ लेकर आओ। मिन कहता है क्या, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसे वहाँ नहीं लेकर जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों जाएंगे वहाँ। क्यू पीछे खड़ा मिन की बातें सुनता है। जेम्स कहता है हम वहाँ जाकर बात करेंगे। मिन कहता है ठीक है कल मिलते हैं। क्यू कहता है क्या तुम उसे मिलने जा रहे हो जिसने तुम्हें मुझे किडनैप करने को कहा था। मिन कहता है हाँ। क्यों कहता है मुझे भी साथ ले चलो। मिन कहता है क्यों वहाँ खतरा है। क्यों कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और वो मुझसे क्या चाहते हैं। मिन कहता है क्या मैं अभी जवाब दूँ तुम्हें, वो तुम्हें मारना चाहते हैं, जिद मत करो, मैं उनसे कल बात करूँगा फिर तुम सेफ हो जाओगे। क्यों कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, अपना ध्यान रखना। मिन कहता है क्या तुम वरीड हो मेरे लिए। क्यों कहता है नहीं। उसके बाद वो खाना खाते हैं। मिन कहता है मैं जाता हूँ मुझे कुछ काम है। जेम्स उसे लेने आता है। मिन जेम्स के साथ जाने लगता है। क्यू और मिन उसे बाहर छोड़ने आते हैं। मिन और जेम्स एक पुरानी सी बिल्डिंग में आते हैं। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। जेम्स कहता है ये रहे 8 लाख जो तुमने हमें दिए थे, सॉरी चीज़ें गलत हो गई। वो आदमी बैग नीचे फेंक देता है और कहता है कि वो पुलिस वाले का बेटा कहाँ है, तुमने कहा था कि वो तुम्हारे पास है, हमने डील की थी, तुमने कहा था कि तुम उसे लेकर आओगे। जेम्स कहता है मैं बताना भूल गया, मैंने कहा कि वो वापस आएगा, पर थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, किसी ने उसे बचा लिया। वो आदमी गन निकाल कर कहता है तुम गलत तरीके से खेल रहे हो, वो कहाँ है, उसे अभी यहाँ लाओ। जेम्स कहता है हम बात करते हैं, सुबह किसी ने उसे बचा लिया और हम पैसे भी तो वापस दे रहे हैं। वो आदमी कहता है तुम लोग मजाक कर रहे हो, तुम लोग नहीं बचोगे। तभी क्यू वहाँ आता और कहता है कि मैं यहाँ हूँ, कहो जो तुम्हें कहना है। मिन और जेम्स कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए। क्यू उस आदमी के पास आकर कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डैड की वजह से। हम देखते हैं कि पुलिस ने उस आदमी के बेटे को अरेस्ट किया होता है जो वेयर हाउस वाले केस में सस्पेक्ट होता है। वो आदमी क्यू के डैड के सामने हाथ जोड़ता है कि मेरे बेटे की हेल्प करो, वो बेगुनाह है। क्यू का डैड कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। वो क्यू के डैड के पैरों में गिरकर हेल्प करने को कहता है और वो घर में जाकर यादा की बातें सुनता है और वो क्यू को कहता है कि मैंने विनती की तुम्हारे डैड की पर उसने मेरी हेल्प नहीं की और उसने उस औरत से पैसे भी लिए। क्यों कहता है तो क्या इसलिए तुमने मुझे किडनैप करवाया। वो आदमी कहता है हाँ, जेल में मेरे बेटे को पुलिस ने बुरी तरह पीटा तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फील किया तुम्हारा डैड भी वही फील करे, और तुम लोगों ने इसे नहीं मारा तो मैं इसे खुद मारूंगा। क्यों कहता है कि मुझे मारो, उनका कुछ लेना देना नहीं है इसे, अगर तुम मुझे मार भी दोगे कुछ नहीं बदलेगा। वो कहता है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ अपने बेटे के लिए। क्यों कहता है क्या तुम्हारा बेटा भी यही चाहता है या तुम खुद के लिए ये कर रहे हो। वो कहता है कि मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। क्यों कहता है क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें हीरो समझेगा अगर तुम ऐसे खुद को रिस्क में डालोगे, अगर तुम श्योर हो तो चलाओ गोली। मिन क्यू के पास आने की कोशिश करता है पर जेम्स उसे रोकता है। वो आदमी गन नीचे कर लेता है और रोने लग जाता है और खुद को गोली मारने लगता है। क्यू गन ऊपर कर देता है। मिन क्यू को पकड़ता है और जेम्स उस आदमी को। क्यू कहता है कि मेरे डैड ने उस औरत से पैसे नहीं लिए थे उस दिन, अगर तुम श्योर हो कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो वो बाहर आ जाएगा, मैं अपने डैड को अच्छे से जानता हूँ। वो घर आते हैं। मिन कहता है क्या तुम मरने से डरते नहीं हो। क्यों चेयर पर बैठ जाता है। मिन कहता है क्या तुम ठीक हो। क्यों कहता है हाँ। तुम्हें लगता है कि क्या ये पहली बार है मेरा ऐसी सिचुएशन में होना, हीरो का बेटा होने पर ये सब कुछ फेस करना ही पड़ता है, ये तो बहुत ही छोटा सा केस था। मिन कहता है दिल से तुम अपने डैड से बदला नहीं लेना चाहते राइट, तुमने फरौती मांगने को कहा क्योंकि तुम नहीं चाहते
चाहते कि तुम्हारा डैड रिस्क में पड़े इस केस की वजह से। क्यों की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। क्यों अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। मिन कहता है क्या हुआ। क्यों कहता है कि अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो मैं किसी और को हायर कर लूँगा। और क्यों जाने लगता है पर गिर जाता है, पर मिन उसे पकड़ता है और चेयर पर बिठा कर कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी कोल्ड क्यों है। मिन कहता है धीरे से सांस लो, क्या तुम ठीक हो। मिन क्यों को गले लगाता है। मिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से फिरौती मांगूंगा। इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक में एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।